हेलो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस कंटिन्यूड सीरीज के अंदर आज हम लोग हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे। अभी से पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा ओवरी के स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है। वो फॉलिकल्स में हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल और वो चेंज होती है, फॉर्म करती है टर्शियरी फॉलिकल व्हिच फाइनली डेवलप्स एंड फॉर्म टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, सेकेंडरी ओसाइट वहाँ से रिलीज होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। और वो सारे प्रोसेसेस जो ओवरी के अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर चल रहे हैं, तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो उन सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो हाइपोथैलेमस, इट इज अ पार्ट इन ब्रेन, इट रिलीजेज GnRH, गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन शोज इट्स इफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा पिट्यूटरी, इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मीडियल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो GnRH इफेक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस शोज इट्स इफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और GnRH के इफेक्ट के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, दैट हार्मोन्स आर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये अपना असर दिखाएंगे। फिर डिटेल में बात करें तो FSH विल शो इट्स इफेक्ट ऑन ग्रैनुलोसा सेल्स एंड LH विल शो इट्स इफेक्ट ऑन थीका सेल्स। तो और ये हम लोगों ने देखा कि ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स दीज आर द पार्ट्स ऑफ फॉलिकल्स। हम लोगों ने सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर देखा था आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ थीका सेल एंड द नरिशिंग सेल लेयर व्हिच इज कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल। खैर, तो LH और FSH अपना असर ओवरी के अंदर दिखाती है। इन हार्मोन्स के असर के कारण ओवरी में रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। हम लोगों ने जब फॉलिकल्स डिस्कस किया था तो वहाँ पर हम लोगों की बात हुई थी कि जो थीका सेल लेयर है दैट फॉर्म्स ईस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे द थीका सेल लेयर विल गेट इनटू डेवलपमेंट, जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट, क्योंकि थीका सेल्स जो है दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स द ईस्ट्रोजन कंसेंट्रेशन विल ओवरी विल गेट हायर एंड हायर। और जैसे ही इनका कंसेंट्रेशन हाई होगा तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH। और जैसे ही LH का कंसेंट्रेशन हाई होगा, LH कंसेंट्रेशन विल बी हाई, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल विल LH सर्ज भी लगा। ये LH सर्ज क्या होता है ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो खैर, फिलहाल के लिए जब ईस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH, और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ LH कॉजेज LH सर्ज एंड इट कॉजेज ओवुलेशन। ओवुलेशन के बारे में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, इट इज द रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के बाद होता क्या है कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाती है एंड द रिमेनिंग ग्रैनुलोसा सेल्स दे फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। एंड जैसे ही ओवुलेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज ईस्ट्रोजन। एंड ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड प्रोजेस्टेरोन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटरी नेचर ऑफ इंडोमेट्रियम। व्हेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ आर फॉर्म्ड, व्हेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ आर फॉर्म्ड, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू
LH and FSH as well as GnRH. तो हम लोगों ने देखा कि हाइपोथैलेमस इट सीक्रेट्स GnRH और GnRH टारगेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी और GnRH के इफेक्ट के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस टू हार्मोन LH एंड FSH. LH विल वर्क ऑन थीका सेल्स एंड FSH विल वर्क ऑन ग्रैनुलोसा सेल्स और ये दोनों सेल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं ओवरी के अंदर. तो LH और FSH के इफेक्ट के कारण ओवरी के अंदर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ estrogen और ये आ कहाँ से रहा है. दिस estrogen इज formed फ्रॉम डेवलपिंग follicles. जो अलग अलग स्टेजेस हम लोगों ने देखी है follicles की. तो as the follicles grow, जैसे जैसे follicles ओवरी के अंदर डेवलप होती जाएंगी वैसे वैसे estrogen का concentration हाई होता जाएगा और हाई concentration ऑफ estrogen gives पॉजिटिव फीडबैक टू LH. हाई concentration ऑफ estrogen gives पॉजिटिव फीडबैक टू LH. और LH का कंसंट्रेशन तब हाई होगा जब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होगा. तो जैसे ही LH का कंसंट्रेशन हाई होगा देयर विल अकर LH सर्ज एंड LH सर्ज दैट विल कॉज द ओवुलेशन. ओवुलेशन मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ रप्चरिंग ऑफ नेचुरल ग्रेफियन फॉलिकल. सेकेंडरी ओसाइट विल रिलीज एंड द रिमेनिंग ग्रैनुलोसा सेल्स विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम. तो ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म बोथ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखने की ये है कि व्हेन एस्ट्रोजन इज अलोन, जब एस्ट्रोजन अकेला है प्रेजेंट तो एस्ट्रोजन जो कि ये बना कहाँ से है डेवलपिंग फॉलिकल से ये बन रहा है. व्हेन द एस्ट्रोजन इज प्रेजेंट अलोन इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH एज वेल एज GnRH. तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को एकदम इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है तब जाके आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स बहुत आसानी से समझना है. सो अब अपने अगले लेक्चर्स में वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. थैंक्स.